यस अब ओके सो एज पर माय इंट्रोडक्शन आई हैव एक्सप्लेन टू यू और प्राउडली आई एम वर्किंग विद स्नैपचैट सिंस लास्ट 2 ईयर्स और अगर मैं एनएस ट्रेनिंग के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूँ तो एवरीबडी नोज अबाउट एनएस ट्रेनिंग इट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी और इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मल्टीपल कोर्सेज जो है वो आप लर्न कर सकते हो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और आई गेस इतने कम प्राइस में आपको इतने अच्छे टीचर्स के साथ आपको आई डोंट थिंक सो कोई इतना अच्छा कोर्स आपको डिलीवर कर सकता है सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओके सो आज जो हम लोग मैं जो आज हमारे बूट कैंप में मेजर जो एडवांस फोटोशॉप में था वो मेजरली वर्क वॉज ऑन टाइपोग्राफी सो अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूं कि व्हाट इज टाइपोग्राफी सो सबको मालूम होगा कि टाइपोग्राफी लाइक आई एम होपिंग कि एवरीबडी इन द मीटिंग इज डिजाइनर और डूइंग समथिंग इन डिजाइनिंग या फिर वो डिजाइन के फील्ड से जो है वो वेल अवेयर होंगे आई एम होपिंग एंड आई एम होप सो कि मैं ठीक ही ओके सो मेजरली टाइपोग्राफी आपका जो है वट इज टाइपोग्राफी अगर आप सिंपली टर्म्स हम लोग डिफाइन करें तो इट्स अ स्ट्रेटजिक अरेंजमेंट ऑफ टाइप टाइप मतलब किसी भी टेक्स्ट की एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके थ्रू अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं राइट आपका मैसेज कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई न्यूज पेपर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर हेडलाइन होगी ठीक है वो हेडलाइन क्या होती है वो हेडलाइन एक्चुअली आपकी एक मेजर टाइप है जो आपकी अटेंशन ग्रैब करती है तो आपको अगर अब आपके पास अगर न्यूज पेपर पड़ा हुआ है दूर से आपको वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा अनटिल या अनलेस आपके ऊपर जिसकी मेजर हेडलाइन होगी ना वो अट्रैक्ट करेगी सेम फॉर द ट्विटर इंस्टाग्राम या वट एवर आप जो भी तरह टाइपो को देखोगे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे राइट सो दिस इज सिंपल अ वे टू कम्युनिकेट आवर मैसेज राइट सो अच्छा अब जब भी आप टाइपो करते हैं मैं मेजरली मेरा जूनियर डिजाइनर के साथ जब भी काम करने का होता है ना जब भी मेरा यानी कि उनके साथ एक्सपीरियंस रहता है तो वो एक मेजर गलती पता क्या करते हैं अलाइनमेंट को बहुत ज्यादा यानी कि ना गलती कर जाते हैं अच्छा ये एक मेजर फाउंडेशन है फंडामेंटल चीज है मैं पहले फंडामेंटल चीज आपको बताऊंगी एक्चुअली हमारा जो लेक्चर है ना वो टू यानी कि डिवीजन में डिवाइडेड है फर्स्ट अबाउट फंडामेंटल्स व्हाट इज टाइपोग्राफी टाइपोग्राफिक के मेजर मेजर प्रिंसिपल एक्सेट्रा वो क्या है एंड देन फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एक अगर हमारे पास टाइम बचा इन वन आवर क्लास तो फिर इनशाला हम एक प्रैक्टिकली एक टाइपो हम एक जो है वो एक सेशन भी रखेंगे और एक टाइपोग्राफी का एक बैनर भी डिजाइन करेंगे उस बिसाइड दिस अगर मेरे पास टाइम कम बचा बिकॉज दिस इज अ वेरी इफेक्टिव एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वाला सेशन तो हम फिर ये करेंगे कि मैं जो प्रीवियसली डिजाइन है इन टाइपो मैं वो आपको शेयर कर दूंगी खैर लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर सो आपकी मेजरली जो चीज़ें अलाइनमेंट होनी चीज होती है ना वो अलाइनमेंट होती है अगर आप अपने डिजाइन में करंटली यू आर यूजिंग सेंटर लाइन तो लीव दैट नेवर यूज सेंटर लाइन जो है ना वो ओल्ड स्कूल हो चुका है इसको अगर आपने मॉडर्न आप कोई बैनर क्रिएट कर रहे हैं तो सॉरी आप इसको अवॉइड करें सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दिस इज द मेजर क्वेश्चन सी अगर आप 1, 2, 3 इस एग्जांपल की तरफ अगर आप देखें तो आपको सिंपली पता लग जाएगा इफ आई कैन जूम इन द स्क्रीन कि कैसे अलाइनमेंट जो है वो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है ये मेरे लिए पढ़ने में बहुत आसान है अगर मैं इसको और जूम इन करूँ सी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमारे ऑडियंस के अटेंशन को होल्ड करती है सेम टेक द एग्जांपल ऑफ द न्यूज़पेपर अपने माइंड में एक न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भी लेकर आए ऑडियंस के अटेंशन कैसे ग्रैब करती है टाइपो सबसे पहले हेडलाइन लिखी होगी लाइक कोई भी हेडलाइन अबाउट लाइक डॉलर डगमगा रहा है ब्ला 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 सॉरी आई हैव अ न्यूज़पेपर इन फ्रंट ऑफ मी मैं वहां से पढ़ रही हूँ ये ना हो कि मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बता दूँ लेट्स पॉज हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक न्यूज पेपर है आप भी इमेजिन कर लो कि आपके सामने एक न्यूज पेपर है लाइक ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लोबल वार्मिंग ने कैसे इफेक्ट किया है हमारे आजकल के टेम्परेचर को लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग वट एवर जो भी आपके माइंड में आ रही हो कुछ भी आप इमेजिन कर लो ठीक है तो वो मैं ऑडियंस को ग्रैप करने के लिए उसने सेंटर में वो सबसे बड़ा लिखा हुआ है जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ अभी मैं अगर आप सिंपल इसी की तरफ देख लो तो मैंने किस चीज को तरफ इम्पोर्टेंट मेजरली फोकस किया हुआ अलाइनमेंट के ऊपर आपका मेजर एम्फेसिस कहाँ जा रहा है अलाइनमेंट के ऊपर देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ठीक है इसमें भी एक सबक है खैर पहले हम लोग ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं देन फिर वी विल मूव टुवर्ड्स दिस वन कि इसमें क्यों डिफरेंस हम लोगों ने किया हुआ
हमें एक फीलिंग्स, हमने एक फीलिंग और एक मूड को कन्वे करना है। अच्छा, अब ये कैसे कन्वे करेंगे, लास्ट पर एग्जांपल्स मैंने दी हैं, उसमें हम ये चीज मैं आपको इसके साथ रीलिंक करके बताऊंगी। देन आपकी इंफॉर्मेशन की एक हायरार्की बनाता है। इंफॉर्मेशन हायरार्की कैसे बन रही है, सी मेरा पहले था मैसेज कि आपकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, राइट। देन उसके बाद व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब मैंने हायरार्की कैसे क्रिएट किया है, जो मेरा मेजर हेडिंग है ना वो मेरी सबसे बड़ी है, देन उससे छोटी है, और देन फिर जो मेरा मैसेज है इन डिटेल वो मेरा बहुत ही छोटे फॉन्ट में है। सो दिस इज द हायरार्की, राइट। रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, दिस इज सुपर रीडर फ्रेंडली। अगर आप, मैं यही चीज अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, सॉरी, सी दिस इज नॉट सुपर इज रीडर फ्रेंडली, ये कहीं से भी रीडर फ्रेंडली नहीं है। मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इसको रीड करने के लिए, लाइक आई हैव टू फोकस, आई हैव टू कलेक्ट माई अटेंशन टू रीड दिस पैराग्राफ, राइट। सेम फॉर दिस वन, मैं इधर पढ़ूंगी फिर इसको पढ़ूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें भी। दिस इज द लेफ्ट लाइन, बाय द वे दिस इज लेफ्ट लाइन, सॉरी राइट लाइन, लेफ्ट लाइन एंड दिस इज सेंटर लाइन। सो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब वाई इट इज इम्पोर्टेंट, इसके मैंने यहाँ पर मेजर एग्जाम्पल आपको समझा दिया कि दिस इज, इसमें हायरार्की भी आ रही है, इसमें एम्फेसिस भी आ रहा है, इसमें मैसेज भी कन्वेयर हो रहा है, हार्मनी भी आ रही है, और एक रिकग्निशन भी कॉन्टेक्ट कर रही है कि मैं सबसे पहले अलाइनमेंट को डिस्कस करना चाह रही हूँ, देन फिर उसको पैराग्राफ को, और देन फिर अपनी सब इन्फॉर्मेशन को, राइट। अच्छा, एक और गलती जो करते हैं ना स्टूडेंट, वो ये करते हैं कि आपकी टाइपो के अंदर ना तीन चार जो है ना फॉन्ट इकट्ठे कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि मैंने ये इस चीज को मैंने जो है वो एक दूसरे फॉन्ट पे मैंने जो है वो ऐड किया हुआ है, इसमें कोई और फॉन्ट है, एंड देन फॉर सेम इसमें फिर मैंने वही वाला रीयूज किया हुआ है, कंट्रोल सी, सॉरी, राइट। तो ये चीज आप लोगों ने नोटिस करनी है कि इस तीनों में से आई नीड योर अटेंशन, आपने मुझे मैसेज करके मुझे रिप्लाई करना है कि इन तीनों में से कौन सा आपको इजिली रीडेबल हो रहा है। Why it is important वाली लाइन में, this one और either this one, first one, yes, तो first one इसलिए हो रही है, yes, exactly, I am getting the answer, I don't know who is saying second one, I guess second one, no, second one is not much helpful, अच्छा, someone is raising the hand, so I will suggest कि we will collect the questions at the end of the session because हमारे पास information ज़्यादा है, so we will discuss the questions at the end. Font, I will paste the this file in the drive link so you can get this as well. By the way, this font is Modern Number 20. You can download from Google. You can easily get that. ठीक है? Okay. So this was the important message. First one, अगर मैं बात करूँ, although ये right line, left alignment है तो इसलिए easily readable है, but अगर आपका ये चीज, by the way, center वाली जो है ना, center वाली heading, सिर्फ एक बंदे ने सही answer दिया है, I try to make him confused, but he is right कि ये वाली easy readable है, right? यानी कि अगर आपका font जो है ना, अगर आपकी एक main चीज provide कर रहे हो ना, तो उसको try करें कि एक ही font के अंदर जो है वो play कर जाए, okay? So आपकी एक अलाइनमेंट सबसे मेजर चीज होती है, मैंने इसके लिए इसको फर्स्ट पे लिखा था कि आप थोड़ी सी इसमें जो है वो एक पाथ फाइंड कर सके कि हम मूव किस तरह कर रहे हैं। सेकंड इज फॉन्ट फैमिली, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम मेजर क्लासिफिकेशन देखें ना, जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन भी हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ एंड स्क्रिप्ट, एवरीबडी नो के सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट कौन कौन सी होती है, राइट। बट जिनको नहीं मालूम उनके लिए आई हैव मेड अ सिंपल एग्जाम्पल्स हियर, ओके। अब चलो एक लिटिल छोटा सा आपका क्विज कर लेते हैं कि टाइप फेस और फॉन्ट में किसी को डिफरेंस मालूम है, क्विकली यू कैन आंसर मी ऑन चैट, टाइप फेस एंड फॉन्ट में क्या फर्क है। ओके ओके ओके, नो इश्यूज, मेजरली किसी को नहीं मालूम, मालूम होगा भी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एंड एवरीबडी, लाइक देर आर 90 पीपल इन द सेशन, सो आई गेस किसी ना किसी को तो मालूम होगा, ओके। So this is the major concept of typeface and this is the font. अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो कि चार चार पाँच पाँच साल के एक्सपीरियंस वाले भी डिजाइनर्स आ रहे होते हैं और वो यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स सपोज अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, तो आपको, आपने उसको पिच में ही बता देना है कि हम आपका टाइप फेस ये यूज कर रहे हैं, मगर उसके अंदर से फॉन्ट जो है ना हम ये यूज करेंगे।
अभी अगर अब ये कंसेप्ट समझने के बाद ना आप लोगों से ये नहीं पूछोगे कि आपने फॉन्ट कौन सा यूज किया, आप पूछोगे आपने टाइप फेस कौन सा यूज किया। अच्छा आयशा सफर इज सेइंग फॉन्ट इज आई गेस टाइप ऑफ टाइप फेस। यस टाइप फेस यू समझ लें इज द मदर, और उसके नीचे जो सब कैटेगरीज होते हैं वो फॉन्ट कहलाती हैं। सिमिलरली अगर आप पॉपिंस के देखें, ग्राफिक के देखें, तबारा के देखें, एवेनियर नेक्स्ट बोल्ड के देखें, वट एवर देर इज अ सम फर्दर सब डिविजन। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स सपोज हम यहाँ पर अभी जाते हैं करेक्टर पैनल में अपने, मैं टी प्रेस करती हूँ, करेक्टर पैनल में जाते हैं तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो पॉपिन है ये एक टाइप फेस है, और जब हम ये इनकी सब कैटेगरीज देखते हैं दिस इज फॉन्ट। आई एम होपिंग कि अब ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। सेम फॉर जहां पर ये आ जाते हैं ना, ये हमारा टाइप फेस कहलाता है, ये भी हमारा टाइप फेस ही कहलाएगा, मगर इसके अंदर एज सच हमारे पास वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन से इट फॉन्ट एंड टाइप फेस एज वेल, राइट। सिमिलरली जहां पर हमारे पास ऑप्शंस होंगे एक्स्ट्रा बोल्ड में, लाइट में, रेगुलर में, तो वो सारे हमारे वो क्या कहलाएंगे, हमारे फॉन्ट कहलाएंगे और बाकी हमारे टाइप फेस कहलाएंगे, राइट। ओके सो दिस वॉज द वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड इजिएस्ट कॉन्सेप्ट फॉर द एवरी डिजाइनर। टाइप फेस को मैं डीपली क्या एक्सप्लेन करूँ, आई हैव गिव द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग एनी फॉन्ट, एनी टेक्स्ट, लाइक आई कैन राइट माई नेम आयशा जुल्फिकार। ओके अच्छा अब मैंने फॉन्ट पकड़ा है, लेट्स मेक मी इट बिगर, लेट्स ओके ओके मैंने उसको ये मैंने उसके फॉन्ट को थोड़ा सा इधर आप लोग देखिए सही। अब मैंने कौन सा, मैं इसको कोई भी फॉन्ट पकड़ लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं पॉपिन पकड़ लेती हूँ, ठीक है ये पॉपिन मेरा टाइप फेस क्या है, मेरी पॉपिन है, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ इसमें इसको थोड़ी वेरिएशन लेकर आऊँ, अब मैं फॉन्ट्स में ले जा रही हूँ इसके, ठीक है फॉन्ट्स में मैं कैसे जा रही हूँ अब आप लोगों ने देखना। टाइप फेस है इसकी पॉपिन, मुझे मेरा वेरिएशन करने का दिल कर रहा है, तो ये इस पे आप ये जो हमारी वेरिएशन अवेलेबल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे करती हूँ लाइट इटैलिक में, ये मेरा एक फॉन्ट हो जाएगा। मैं बोलूंगी फॉन्ट मेरा है पोपिन, मगर उस सॉरी टाइप फेस है मेरा पोपिन, और उसमें से मैंने लिया हुआ है लाइट इटैलिक फॉन्ट। मेक सेंस? आई एम होपिंग कि अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बस इट इज अ सिंपल थिंग कि आपके फॉन्ट और टाइप फेस में क्या फर्क होता है। टाइप फेस के अंदर जो सब कैटेगरी जैसे इटैलिक, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, वो जो ऑप्शंस आ रही होती है ना वो आपके फॉन्ट की होती हैं। ओके सो नेक्स्ट इज, अब हम मेजर कैटेगरीज की तरफ जाते हैं, सेरिफ, सेंस सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले फॉन्ट। सेरिफ ऑब्वियसली जो इस तरह के होते हैं इनकी मेजर जो है ना, यानी कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन दी जाए तो वो ये कहते हैं कि जिनके एजेस शार्प होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेंस सेरिफ, जैसे पॉपिन है, रोबोटो है, दिस इज सेंस सेरिफ फॉन्ट, राइट। सेंस सेरिफ फॉन्ट है ये, वैसे बाय द वे जिस जिस इमेज में जो जो फॉन्ट लिखे हुए हैं ना वो ही वाले वाले फॉन्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। सेंस सेरिफ फॉन्ट इस तरह के होते हैं, इट्स अबाउट विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉन्ट, राइट, जिनके इस तरीके से एजेस बने होते हैं। इफ आई कैन जूम इन टू यू लाइक दिस एजेस, राइट, सो दिस एजेस जो कहलाते हैं वो हमारे कहलाएंगे हमारे सेरिफ फॉन्ट्स, राइट। अच्छा अब इनकी पर्सनैलिटीज कैसे होती है, स्क्रिप्ट फॉन्ट ज्वाइन राइटिंग वाले, इजी फॉर पाकिस्तानी की ज्वाइनिंग राइटिंग वाले फॉन्ट हमने देखने हैं, उस तरह के फॉन्ट देखने हैं, सिग्नेचर वाले फॉन्ट देखने हैं, तो उसे स्क्रिप्ट फॉन्ट बोलते हैं। अच्छा एक डिस्प्ले फॉन्ट की न्यू टर्म्स क्रिएटेड की हुई है फॉर द डिजाइनर इज, जिसे हम डिस्प्ले फॉन्ट बोल देते हैं। डिस्प्ले फॉन्ट लाइक जो थोड़े बोल्ड होते हैं, जिनके थोड़ी हैवी यानी कि रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे हम डिस्प्ले फॉन्ट कह देते हैं, उसको हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। लेट्स जैसे कि दिस वन, दिस इज द बोल्ड फॉन्ट, मोटे मोटे फॉन्ट पकड़ के उनको हमने डिस्प्ले में डाल दिया, ठीक है। ओके अच्छा अब हम इनकी थोड़ी सी, इनके हम जो है ना थोड़ी सी पर्सनैलिटी के बारे में डील करते हैं। जो सेंस सेरिफ होते हैं ना ये थोड़े मॉडर्न होते हैं, आजकल के दौर में ज्यादातर सेंस सेरिफ यूज हो रहे हैं क्योंकि ये थोड़े क्लीन होते हैं, मिनिमलिस्टिक होते हैं, कंटेम्प्रेरी एंड स्लीक होते हैं, क्योंकि ये आपकी मॉडर्निटी को डिफाइन बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। अगर आपने बट आप इट डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट एज वेल, अगर आप टेक के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो यूज सेंस सेरिफ फॉन्ट, अगर आप मॉडर्न जितने भी हैं कोई बैग बना रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज घड़ियां बेच रहा है, पेंट बेच रहा है, तो इट डिपेंड्स कि वो मॉडर्न है ना, तो उसे आप सेंस सेरिफ फॉन्ट आप यूज करें, राइट। स्लैब सेरिफ फॉन्ट एक और न्यू कैटेगरी निकली है, वो जरा अजीब से टाइप
राइटिंग वाले शॉर्टकट होते हैं, जो ये एक ये भी मॉडर्न मॉडर्न एज में यूज हो रहे होते हैं, बट ये इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट यूज एंड क्लाइंट डिमांड। डिस्प्ले और स्लैब फेरिस स्लैब जो है ना, ये लीस्ट यूज फॉन्ट है, सबसे ज्यादा सेंस सेरिफ यूज होने वाले हैं, और स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करना स्क्रिप्ट कह रही हूँ, सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज होने वाले होते हैं। और स्क्रिप्ट फॉन्ट ऑब्वियसली जहाँ पर आपने फीमेल्स की प्रोडक्ट यूज करनी है, लाइक मेकअप, आपने मेकअप ब्रांड को चलाना है, या फिर आपने कोई कपड़े बेचने हैं, क्लोथिंग ब्रांड करना है, यू कैन इजिली यूज स्क्रिप्ट फॉन्ट, राइट। इवन के दिस सेरिफ फॉन्ट भी आप जो है ना फीमेल्स की प्रोडक्ट के लिए आप इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो अच्छा, अब एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ था कि अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है टाइपो, सॉरी नहीं वो यहाँ पर था। अच्छा, डू एंड डोंट्स के दिस इज सिंपल सजेशंस कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ये एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बाय द वे ये सबसे स्टार्ट में आपको मैं यहाँ पे ये पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे कौन से डू एंड डोंट्स हैं जो यू कैन इजीली हाईलाइट। वैसे इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाय द वे। मोहम्मद उमर ने क्वेश्चन पूछा है, क्या हम इलस्ट्रेटर, आई डोंट नो व्हाट इज द डिवाइस नेम, में हम चला सकते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो, वैसे प्रोबेबली यस। ओके यू कैन गूगल वैसे बाय द वे। अच्छा ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चंस, ओके नॉट आंसर इवन। ओके सो दिस इज द सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डू दिस एंड डोंट डू दिस, सिंपल है, उनने हेडिंग के थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो मेजर रूल है ना, वो रूल ये है कि अगर आपने फॉन्ट अगर आपने 30 लिया है ना पिक्सल्स, तो आपने जो आपकी पैराग्राफ वाली चीज है ना, वो आपने उसका 50% लेस ले लेना है। इस एक मेजर फॉर्मूला यूज होता है, 4x एंड 2x। इसका मतलब ये है कि आपकी जो हेडिंग होगी ना, वो 4x में होनी चाहिए। लाइक लेट्स सपोज अगर ये 48 में ना, 48 + 48 कितना होता है यार, हम कुछ सिंपल कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम 12 कर लेते हैं। आई एम नॉट अ गुड इन मैथ्स, कंट्रोल ए, लेट्स सपोज वी कैन डू 20 कर लेते हैं भाई। ओके सो आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए ना, वो फिर 40 में होनी चाहिए। ओहो 400 ही हो गया, राइट। सो दिस इज द मेजर रूल जो आपने अप्लाई करना है इन राइटिंग पैराग्राफ। अगर आप न्यूज लेटर बना रहे हो, अगर आप ब्रोशर बना रहे हो, तो आप लोगों ने ये चीज यूज करनी है। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस रूल, राइट। हेडिंग शुड बी प्रोमिनेंट, यस हेडिंग शुड बी प्रोमिनेंट। ओके अनदर थिंग, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल्स, क्या मेरी ये चीज इस चीज को डिफाइन कर रही है। फोर एक्स का मतलब है कि अगर आपका फॉन्ट जो है ना, अगर आपकी हेडिंग जो है वो 20 20 पिक्सल्स पर पड़ी हुई है, लाइक अगर मेरा ये 4x का मतलब है कि ये इसकी, ये देखिए फॉन्ट साइज अगर है, कहाँ गया करेक्टर पैनल, अगर ये मेरा 20 पर है ना, तो फिर मैंने उसको रिसाइज कर दिया। खैर अगर अगर आपने हेडिंग आपकी 40 40 px पे पड़ी हुई है ना, तो आपकी जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, वो 20 px पे होना चाहिए, यानी कि उसका 50% ब्लो पर होना चाहिए आपका पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर ऐड की थी, वो मैंने ये ऐड की थी कि मैंने प्रिंसिपल्स तो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, मगर मैंने इस वाले आर्ट बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल, बट दिस इज नॉट द टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल। सो ये मेरा टाइपोग्राफिक एरर है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइपोग्राफिक एरर कर दिया, मगर यहाँ पे मैंने डू एंड डॉट्स कर दिया, प्रिंसिपल लिख दिया है, मगर मैंने यहाँ पर डू एंड डॉट्स का आपको कंसेप्ट दिया है, तो ये प्रैक्टिकली मैसेज कन्वे के हिसाब से दिस इज रॉन्ग, राइट। तो आपको ये चीज कहाँ पर ऐड करनी चाहिए थी, ऑन दिस, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल ये वाले हैं जो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि आपको टाइपोग्राफी के थ्रू कैसे अपने मैसेज को जो है वो डिलीवर करना। ओके सो दिस आर द प्रिंसिपल, लेट मी एड दिस प्रिंसिपल एट द टॉप ताकि आप लोगों को आइडिया क्लियर हो, एंड आई विल मेक द कलर इट वाइट। ओके सो
सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ टाइपोग्राफी, ठीक है. दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रिंसिपल है, ठीक है. इसके बाद देन वी विल मूव टूवर्ड्स टाइपोग्राफी पोस्चर, माय फेवरेट पार्ट. आप मुझे एक चीज गाइड कर सकती हैं कि मोबाइल वेबसाइट की टाइपोग्राफी के क्या बेस्ट साइजेस हैं? मोबाइल टाइपोग्राफी आई नेवर यूज्ड एंड आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज दिस इज वेरी बैड फॉर योर आई साइट एंड योर मसल्स, राइट? सो आई मसल्स. सो ट्राई टू यूज लैपटॉप एंड टैब. अगर नहीं है तो मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उससे बेहतर है आप लैपटॉप वगैरह खरीद लें. ओके, मैंने मोबाइल पे वैसे कभी टाइपोग्राफी नहीं की, आई यूज ऑलवेज लैपटॉप एंड सिस्टम्स. ओके, सो टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल इज, फर्स्ट इज रीडेबिलिटी. अगर मैं अपना ये चीज लाइक ऐसे करके लिख दूँ, टाइपोग्राफी प्रिंसिपल यहाँ पड़े हुए हैं, या यहाँ रख दूँ, ये कर दूँ, ये देखो वाइट वाइट के ऊपर वाइट छुपी है, तो रीडेबिलिटी क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली खत्म हो रही है. सो आपने कलर कंट्रास्ट भी यूज करना है, क्या चीज किस तरीके से डिफाइन करनी है, इट ऑल टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल. रीडेबिलिटी, अब सिंपल मैंने यहाँ पर मल्टीपल एक एग्जांपल्स मैंने सेट कर दिया है. मैकबुक इज द वंडरफुल ऑप्शन इफ यू कैन यूज. खैर हम लोग आंसर इस क्वेश्चंस हम विल टेक इन लास्ट 10 मिनट्स. अभी हम लोग मेजरली फोकस ऑन टाइपोग्राफी बिकॉज पीपल आर ज्वाइनिंग दिस फॉर सेशन फॉर द टाइपोग्राफी, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल. ओके, सो रीडेबिलिटी ऐसे हो. अब यहाँ पर आप सिंपल अगर देखें, ये सब किसमें लिखे हुए हैं? एक ऑन ऑल आर इन कैप्स लॉक. ऑब्वियसली इन कैप्स लॉक एवरीवन, बल्कि कोई भी ना इसको जल्दी जल्दी रीड नहीं कर पाएगा. किसी पास 5 मिनट है, क्विकली रीड कोई भी नहीं कर पाएगा, राइट? अब रीडेबिलिटी यहाँ पे कैसे इंप्रूव हो रही है कि एवरीथिंग इज इन सेंटेंस केस, राइट? सेंटेंस केस में ही आपका पैराग्राफ में आपके टाइपोग्राफी अवेलेबल होनी चाहिए. सेकेंड इज टाइपोग्राफिक मूड. एज आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर कि अगर आपने सेरिफ्स और सैंस सेरिफ फॉन्ट को कैसे कैसे यूज करना है, तो दिस इज अ सिंपल क्लासिकल एग्जाम्पल कि आपने फीमेल्स के ब्रांड को जहाँ पर देखना है उसको मूड को अटैच करना है. अगर आपने गेम फॉन्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डेनिम का या किसी का भी पोस्टर आपने बना दिया और उसके ऊपर आपने गेम वाले फॉन्ट लगा दिए, लेट्स सपोज मैं आपको अगर एक इसी के ऊपर क्विकली आपको एक अगर फॉन्ट लगाकर दिखाऊं, लेट्स मेक इट्स कॉपी, मेक इट्स कलर प्रोबेबली ब्लैक. ओके, इसकी जरा लेयर थोड़ी पीछे पड़ी हुई है. ओके, ओके, लेट्स मेक अ क्विकली कंट्रोल वी कंट्रोल ए. I will make its color black. Okay. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कलेक्शन 2K23. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कोई गेमिंग फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट बाय द वे यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरह का फॉन्ट चाहिए और किस थीम में चाहिए. आप बस लिखो गेमिंग फॉन्ट तो आपको गेमिंग फॉन्ट सामने आ जाएंगे. ओके, स्लैब सेरिफ फॉन्ट एक मैंने पकड़ लिया, उसको छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा. अच्छा, अब क्या ये वाला फॉन्ट मेरे इस फीमेल को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला फॉन्ट? क्योंकि मेरे इस ब्रांड के अकॉर्डिंग मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है? फीमेल है. अगर मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर लूँ, सो कैन यू एबल टू सिलेक्ट दिस ऑडियंस, टारगेट दिस ऑडियंस? कैन वी? नो, बिकॉज मेरा वो फॉन्ट जो एज अ डिजाइनर मैंने फॉन्ट बड़े दिलाले से यूज कर लिया कि बहुत अच्छा लग रहा है, मगर वो मेरा एक मूड ही नहीं बना रहा उस ब्रांड के अकॉर्डिंग, तो भाई मेरी तो सारी मेहनत जाया हो गई है, मेरा कोई फायदा ही नहीं रहा कि मैं जो हूँ लाइक आई कैन मेक एन अ गुड डिजाइन फॉर देम, राइट? तो आपका जो एम है ना फॉर डिजाइनिंग, वो ही आपका कैंसिल हो गया. सो दिस इज द थिंग कि आपने मूड के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेती लाइक कोई मैं स्क्रिप्ट फॉन्ट पकड़ लेती, फीमेल्स लाइक द स्क्रिप्ट फॉन्ट. अब स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन से होते हैं? लेट्स सपोज दिस वन, दिस लुक कूल लाइक दिस वन. अगर मैं ये लगा दूं पीछे बड़ा प्यारा सा एक बॉक्स वगैरह बना दूं, तो ऑब्वियसली अब ये क्या फीमेल को अट्रैक्ट करेगा? 100% अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फीमेल्स को तो स्लीक फॉन्ट और थोड़े से फीमेल जिनमें स्लीकनेस हो, जिनमें थोड़ी सी नजाकत हो, तो उसमें के फॉन्ट दोनों बड़े अट्रैक्ट करते हैं, राइट? सो दिस इज द माय वे ऑफ कम्युनिकेशन कि मैं अपने मैसेज को कैसे डिलीवर कर रही हूँ, राइट? तो मूड, फॉन्ट, वो सब कुछ आपको कलेक्टिवली एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं.
और इसमें एक और चीज मैंने आई गेस यहाँ पे मिस कर दिया कि कलर सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मूड. अब वो कैसे होगा, हम लास्ट बैनर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. स्कैनेबिलिटी, दिस अगर मैं सिंपल आपको, मैंने यहाँ पर थोड़ी वो बहुत ज्यादा फिलोसफिकल टर्म्स बता दी हैं यहाँ पर, बट इट इट कैन मेक यू कंफ्यूज, बट डोंट वरी, आई कैन एलेबोरेट यू हियर. उसमें ये है कि आप अपनी हेडिंग वाइज इस तरह से बनाओ कि आपकी मेजर हेडिंग जो है ना इज इन कर्व, लाइक आपकी मेजर हेडिंग अटेंशन ग्रैब कर रही हो, लाइक दिस मेजर हेडिंग अटेंशन ग्रैब कर रही है, देन दिस इज सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग. अब मेन हेडिंग क्या है, सबसे ज्यादा बोल्ड है, उसके बाद जो मेरी दूसरी है वो इसका 2x है, यानी कि उससे डबल साइज में छोटा है, फिर उससे भी है वो थोड़ा कम रेगुलर, थोड़ा मीडियम फॉन्ट में आ गया, और देन उससे भी छोटे वाला जो है उससे मीडियम फॉन्ट में आ गया. सो दिस इज द मेजर थिंग कि अगर आप स्कैनेबिलिटी अपने टेक्स्ट टेक्स्ट जो है ना आपका मैसेज जो है वो कैसे दे रहा है. लेट्स सपोज अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करो, लेट मी ओपन एनी वेबसाइट, लेट्स सपोज आई कैन ओपन टेक्फिनिटी, माय क्रेडिट, अच्छा राइट. अब ये मेरा फ्लो कैसे है, आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है, क्रेडिट की मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया राइट. तो ये मेरी क्या है, ये मेरी मेजर हेडिंग है, और उसके बाद उस एक मेरी सब हेडिंग आ रही है. सी मेरा मैसेज जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे जा रहा है कि मेरी पहले कौन सी हेडिंग आ रही है, देन उसके बाद क्या आ रही है. सेम मैं अगर अबाउट उसमें जाऊं, सी मेरा अबाउट क्रेडिट्स, मेरे सबसे पहले ध्यान इस तरफ जा रहा है क्योंकि उन्होंने टाइपो को ही इस तरीके से यूज किया हुआ है राइट. अच्छा अब सेम उन्होंने किस चीज को अटेंशन देना था उन्होंने, और सी एंड द थिंग लेफ्ट अलाइन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेफ्ट अलाइन. अच्छा अब क्रेडिट के बारे में बताऊं ना, तो क्रेडिट्स पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो जिनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके, वो इनके क्लाइंट्स हैं. दिस सी स्पॉटिफाई, यूडेमी, हम्बल, ये इनके क्लाइंट हैं, यानी कि दिस इज अ स्टैंडर्ड वेबसाइट. यू कैन चेक लाइक कैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया हुआ है, किस तरह से हेडिंग को लिया हुआ है. आई डोंट नो व्हाई दे यूजिंग दिस वन, बट प्रोबेबली इनके इस तरह से होगा, बट मेजरली दे नीड टू यूज लेफ्ट अलाइन. ओके सो लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स लेक्चर. ओके ओके सो नेक्स्ट इज लिमिट योर टाइप फेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपने जब भी एक पोस्टर बनाना तो उसके अंदर आपने कितने फॉन्ट यूज करने हैं, मैक्सिमम लिमिट आप लोगों के अकॉर्डिंग कितनी होती है, मुझे क्विकली जरा चैट में मुझे एक्सप्लेन करो. 3 मोहम्मद फहद एंड उम्मे हानी सेइंग कि 3. नो 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 नो, बहुत गलत इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर रहे हो. मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 वी कैन यूज, एंड दिस इज द मैक्सिमम ब्रीच. इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा हम यूज कर सकते. वी कैन यूज ओनली 2 टाइप्स ऑफ द फॉन्ट, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते. लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे क्विकली एक जरा हम लोग लिखते हैं, आई एम टेकिंग अ क्लास. ओके टाइपोग्राफी इज ए टॉपिक. ओके इसको बड़ी डिलीट करते हैं, इसी के ऊपर ही काम करते हैं. आशा ढारे सेइंग रिपीट योर क्यू 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 क्या होता है. आई एम सेइंग के टाइपोग्राफी में वी कैन यूज ओनली 2 टाइप्स ऑफ फॉन्ट, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते राइट. अच्छा फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम टाइपोग्राफी को इसी में रखते हैं, इज हम वी आर मेकिंग ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हियर. अच्छा अगर मैं इसको कर देती हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं कर देती हूँ, वी कैन सेलेक्ट एनी कैरेक्टर. ओके दिस वन टॉपिक, टाइपोग्राफी को मैं कर देती हूँ जरा किसी भी. अच्छा ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किस तरह के फॉन्ट यूज कर रहे हैं. टाइपोग्राफी इज अ टॉपिक, दिस इज अ 3 फॉन्ट सिलेक्शन. अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी, सो क्वेश्चन इज कि हम मैक्सिमम कितने जो है वो यूज कर सकते हैं फॉन्ट इन एनी टाइपो या इन एनी हेडिंग.
सो द आंसर वॉज टू, कि हम टू यूज करने हैं. लेट्स सपोज देखिए, हमने यहाँ पर तीन यूज किए हैं फॉन्ट. इट गिव्स लेस रीडेबिलिटी ऑप्शन टू अस, लाइक हमें ये रीडेबल इजिली नहीं आ रहा. अगर हम यूज करें, लेट्स सपोज मैं यूज कर लूँ यहाँ पर पॉपिंस, पॉपिंग लाइक सेमी बोल्ड, कंट्रोल ए, लेट्स मेक इट सेंटर लाइन, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, थोड़ी सी बीच की स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं. और वो व्हाई इट इज नॉट गिविंग द ऑप्शन. ओके राइट. तो अब यहाँ पे थोड़ी सी वो जो है ना, मुझे थोड़ा सा एज दे रहा है कि मैं इसको इजीली थोड़ा सा रीड कर पाऊँ. ठीक है, अच्छा, यस, ओके ओके, दिस वाज अ कूल थिंग. ओके, लेट्स सपोज हम इसके कलर को थोड़ा सा बदल देते हैं, लेट्स सी, ये कर देते हैं. ठीक, तो मेरी ये चीज थोड़ी सी है, हम यूज कर सकते हैं. ओके, सिंपल टाइपोग्राफी स्केल. मैं अभी आपको क्रेडिट्स की वेबसाइट मैंने विजिट करवाई है कि आपकी मेन हेडिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी कैची होनी चाहिए, देन फिर हम सब कैटेगरी की तरफ मूव करते 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 पैराग्राफ में भी होनी. अच्छा, कोई यूआई यूएक्स का बैठा हुआ बंदा, उससे तो बड़ा अच्छे से मालूम होगा कि हेडिंग, सब हेडिंग, देन उसके नीचे पैराग्राफ, वो कैसे यूज करते हैं. तो ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है कि आपकी हेडिंग सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर आपके पास सब हेडिंग होनी चाहिए, देन फिर आपको फॉन्ट, देन आपका टेक्स्ट, फिर आपके जो छोटे छोटे कैटेगरीज की तरफ जाता जाता है ना, वो होना चाहिए. राइट, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, दिस इज मेन हेडिंग सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है, फिर उसके नीचे पैराग्राफ, देन फिर सब हेडिंग, देन उसके नीचे सब हेडिंग, देन उसके नीचे टेक्स्ट, देन सब हेडिंग, टेक्स्ट. तो आपका एक हायरार्की आनी चाहिए. आप सिंपल यू कैन यूज एनी बुक, आप रीड करो या कुछ भी करो ना, तो आप अपने कोर्स की बुक की अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर आपके ना वो हेडिंग, सब हेडिंग, वहां का इजीली कॉन्सेप्ट यू कैन गेट दिस कि आपको टाइपोग्राफी स्केल कैसा होना चाहिए. राइट, कॉम्प्लेक्स अलाइनमेंट. अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स अलाइनमेंट कहाँ यूज होती है? अगर आप ब्रोशर बना रहे हैं, अगर आप कोई कैटलॉग बना रहे हैं, अगर आप कोई न्यूज आर्टिकल लिख रहे हैं, या कोई आप कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज बना रहे हैं, आपने वहां पे पता क्या करना है, थोड़ा सा ना आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स राइटिंग डाल देनी. अब यू कैन आस्क मी क्वेश्चन के भाई ये तो हमें नहीं बताया गया कैसे. अब ये मैं अगर आपको ट्रिक बताऊँ ना, अब ये ज्यादा रीडेबल क्यों है, एक तो मैंने अपना द बेसिक विजुअल डिजाइन एलिमेंट को एक तो मैंने बहुत बड़े फॉन्ट में लिख दिया, और यहाँ पे मैंने छोटी सी एक समरी भी दे दी, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दी. समझ आई? अब इसमें भी उसने क्या किया, उसने ये मेजर हेडिंग बना दी है, नीचे पैराग्राफ लगा दिया, नीचे थोड़ी सी समरी दे दी है. मगर इस डिजाइन में और इस डिजाइन में फर्क क्या है? मुझे लगेगा कि मैं ये पहला पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर मुझे ये लाइनें समझ आएंगी, मगर इसमें क्या मुझे समझ आ रही है? ये हेडिंग है, मुझे यहाँ से भी समरी पता लग जाएगी, और ये भी समरी पता, मुझे ये एक्सप्लेनेशन है. तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ डिजाइन, कि मेरी मूवमेंट ऑफ डिजाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है. मेरी मूवमेंट ऑफ डिजाइन यहाँ से यूं की तरफ जा रही है ना, कितना कूल कॉन्सेप्ट. रीडेबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, मेरी आई मूव कर रही है उसके थ्रू. ठीक है, ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स अलाइनमेंट. कभी कभी कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट प्ले विद द कॉम्प्लेक्सिटी, बट मेक इट इजी फॉर द यूजर. आपका यूजर एक्सपीरियंस बड़ा इजी मजेदार होना चाहिए. एम्फेसिस, लाइक अगर आप किस चीज के ऊपर एम्फेसिस करना चाह रहे हो, अगर हम यहाँ पर देखें हम किसके ऊपर एम्फेसिस करना चाह रहे थे, लेट्स सपोज वी कैन टेक अ कॉपी हियर, हम अपनी टाइपोग्राफी के ऊपर जो है वो एम्फेसिस करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी टाइपोग्राफी को कोई इसको सारे को कैप्स लॉक कर दूंगी, या फिर मैं इसको कलर चेंज कर दूंगी, इसका इसको छोटा कर दूंगी, यानी कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी. लेट्स सपोज अगर मैं इसका सिंगल लाइन में लिखूं, मैं क्या करूंगी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी. ओ सॉरी, ओहो, ये हर तरफ से ही बड़ा हो रहा है, ये क्या चीज है. ओके, सही है, तो मैं टाइपोग्राफी के ऊपर मेरा फोकस चला जाएगा. सो ये सिंपल है कि अगर आपने किसके ऊपर एम्फोसिस करना है, आप सारा बोल्ड ना करो, क्योंकि आपकी सारी चीज बोल्ड में जा रही है. रीडेबिलिटी इसकी भी है, बट द थिंग इज कि मैंने किस चीज को एम्फोसिस करना है, उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि मेरा. अब ये उसने ये नहीं कहा कि मैंने इसमें ये हाईलाइट करना है, अब आपको क्या हाईलाइट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लगा रहे हो 10% ऑफ, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 10% को हाईलाइट करना है, और आपने देखा होगा आप कहीं भी ऑफ पे जाते होगे ना, तो आपका जो ऑफ होता है ना वो बड़ा ही छोटा लिखा होता है, उन्होंने 10% को हाईलाइट किया होता है, और अप टू तो बिल्कुल छुपाया ही होता है उन्होंने, ताकि लोगों को पता ही ना चले, बस लोगों को पता लगे कि ऑफ लगा हुआ है, अप टू वाला कोई सीन ही नहीं है. ठीक है,
तो ये उनकी ट्रिक्स हैं जो एक डिजाइनर जो है वो यूज करता है. बाय द वे दिस इज अ मार्केटिंग स्किल्स एज वेल. आपने आपने देखा होगा प्राइस क्या लिखी होती है, 9.99. क्यों? दिस इज द साइकोलॉजिकल ट्रिक. हमारा माइंड जो है ना, वो अगर मैं लिख दूँ ना 1000, मेरा माइंड वहीं पे स्टक हो जाएगा. है 1000 की चीज है, जहां पर लिखा होगा 9.99 ऑल टाइपोग्राफी, तो मेरा माइंड कहेगा नहीं, 9.99 तो बहुत सस्ता पड़ा हुआ है. सिंपल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना एक ड्रेस पड़ा हुआ है, मुझे वो मिल रहा है 4500 में, ठीक है. और सेम एक वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा 4299 या 499 मैं कहूंगी. वाह वाह, ये तो सस्ता पड़ा हुआ है, लेट्स ग्रैब दिस. सो सिंपल, दिस इज द फॉन्ट मैनिपुलेशन, डिजाइनर इफेक्ट, साइकोलॉजिकल प्ले, यू कैन यूज इट. कस्टमर्स को ऑब्वियसली ऑब्वियसली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के दिस इज द मार्केट ट्रिक्स. बाय द वे 299 लिख दो, लोगों को 300 महंगा लगेगा, 299 सस्ता लगेगा. ओके, सो आपकी प्रॉक्सिमिटी भी होनी चाहिए. प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? नियर बाय थिंग, यानी कि नजदीक चीजें. अब ये देखो, उन्होंने अलाइनमेंट ठीक नहीं की हुई कि बिल्कुल एक यहाँ पर इसने टाइपोग्राफिकल हिदार की, यहाँ पर लिख दिया और अब मेरा पैराग्राफ यहाँ से शेयर हो रहा है. अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे इसमें कॉन्टिन्यूटी है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा ये वाला पार्ट, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा ये वाला पार्ट इसका हिस्सा है भी कि नहीं है, राइट. तो आपकी कंटिन्यूटी ये वाला पार्ट जो है ना, ये जाया कर रहा है. तो ये दिस इज द करेक्ट थिंग कि मेरे टाइपोग्राफी में समझ लग रही है कि ये हेडिंग है और नीचे ये उसकी जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन है, डिटेल है. यस, अट्रैक्शन के लिए. ओके, सो दिस वर द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. अब जब भी आप कोई, लेट्स सपोज अपना नेक्स्ट क्लाइंट से डील करने जा रहे हो, कोई आप पोस्ट बनाने जा रहे हो, पोस्टर बनाने जा रहे हो, कोई डिजाइन क्रिएट करने जा रहे हो, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखें और कोई भी चीज डिजाइन करें. सो अब नेक्स्ट जो थिंग है वो मेरा फेवरेट पार्ट है. ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिसमें से मेरा सेल्फ क्रिएटेड है दिस वन, जो मैंने भी, आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ एडवांस फोटोशॉप. यू कैन ज्वाइन, हमारा नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है. प्रोबेबली माहीन कैन एक्सप्लेन, माहीन इज आवर कोऑर्डिनेटर, शी कैन एक्सप्लेन वेल अबाउट के कब स्टार्ट होते हैं, कब एंड होते हैं. वी आर जस्ट टेकिंग द क्लासेस. ओके, सो अदर आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द टाइपोग्राफी. ओके, सो सबसे पहले हम यही एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमने इस पे कैसे, हमने टाइपोग्राफी को हमने मैनिपुलेट किया हुआ है. हमारा मेजर था कि हमने फैशन वीक को ना हमने इसमें हाईलाइट करना, राइट. अब वी हैव मॉडल एंड देन हमारे पास सिर्फ ये मॉडल की पिक्चर थी और हम लोगों ने कैसे बैकग्राउंड को मैनिपुलेट करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया, हमने जाके रिसर्च की कि व्हाट इज द ट्रेंडी फॉर द वुमेन एंड क्या चीज वो लोग जो है वो यूज कर रहे हैं और क्या चीज उन्हें कैची लग रहा है. तो वहां पर हमें पता लगा कि फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव क्या कर रहे हैं, किस तरह का फॉन्ट यूज कर रहे हैं. सी, दिस इज द फैशन फॉन्ट, मगर हमने ये वाला फैशन जो है वो थोड़ा किस क्यों यूज किया है, सेरिफ फॉन्ट, बिकॉज हमने यहाँ पर हमारी मार्केट को भी कलेक्ट करना था. क्योंकि इस, अगर फैशन वीक आ रहा है, उसमें हमने किस किस को टारगेट करना था. ऑडियंस ऑडियंस कौन कौन थे? कैमरा मैन थे, पीआर के लोग थे. लेट्स सपोज अगर आप कोई इवेंट करवा रहे हो, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? लॉजिस्टिक के होते हैं, पीआर के होते हैं, न्यूज एंकर्स होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं. तो उन सबको, उसके सबके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, हमने फैशन को थोड़ा सा उस तरह का फॉन्ट पकड़ लिया जो कि थोड़ा मॉडर्न की तरफ भी आता है. देन फैशन वीक थोड़ी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, देन सेम कलर हमने इस तरह से कंट्रास्ट में बनाया, एंड देन वी जस्ट मैनिपुलेट एंड क्रिएट दिस पोस्टर. सिमिलरली फॉर दिस वन, आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज इट इज, बट इट वॉज सो ग्रेट. अब आपके, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, लेट्स सपोज डेल, आप एक इस तरह से डेल के लिए आप एक ब्रोशर क्रिएट करना चाह रहे हो. आप उसके डी को ऐसे मैनिपुलेट करके आप यहाँ पर उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लगा दो, यहाँ पर उसकी हेडिंग लिख दो. सो दिस इज वंडरफुल कॉन्सेप्ट. इसमें आप कितना मजे का, अगर मैं आपको आपको एक्सप्लेन करूं, सी यहाँ पर मेरी हेडिंग भी आ गई है और ये मेरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी जा रहा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी आ गई, ठीक है. ये मेरा अटेंशन भी ग्रैब कर रहा है और मेरा जी लेटर, फॉर एग्जाम्पल मेरे लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड्स में से मेरा, आई डोंट नो व्हाई इट इज टेक, व्हाई डिजाइनर टेक द जी. कोई और भी ले सकता था लेटर, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके लोगो में ये लैटिट्यूड का फर्स्ट जो है वो, तो ही टेक्स एल एज अ स्टार्ट या ए
व्हाटएवर जो भी उसमें इजी लग सके उसके लिए. गेटिसबर्ग. ओ उम्मे हानी सिंह गेटिसबर्ग. आई एम अनेबल टू रीड प्रोबली इन द रोलिंग हिल्स ऑफ द साउथर्न व्हाटएवर पेंसिल्वेनिया. ओके सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे. ओके Similarly, this one is complex, but mine favorite. Times Roman. उन्होंने एक font को इसके अंदर जो है वो explain कर दिया. Initial है. Okay. G is its initial. Okay. She is saying it. This one is Gettysburg, probably I'm pronounce it wrong or right. माफ कर देना मुझे English. Okay, so G इससे start हुआ और then उसने make sense, उसने कुछ तरीके से explain कर दिया. This is good. Like this is a good thing के if I was wrong to someone correct me. Good thing. Okay, same for this posture. If we can discuss about this one, तो similarly Times New Roman. T-I-M-E-S. अच्छा उसने यहाँ पर इसने क्या किया, टाइम्स के टी के नीचे उसने स्लैब ऐड कर दिया है. सी उसने कंप्लीट एक टेक्स्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ. दिस इज अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट. एंड सिमिलरली दिस वन दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज अ बूट कैंप. अच्छा someone is asking me, इकरा ने मुझे question पूछा है कि this course is about typography overall. Yes, this is about typography, only this session, not course. Typography का course वैसे होना तो चाहिए. I will suggest them कि typography के ऊपर course करें क्योंकि there are thousands of the information behind this जिन्हें ना discuss करना बहुत जरूरी होता है. But this is only a short course. So now you can ask me question. अच्छा मोहम्मद उमर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रोग्रामिंग का कोर्स होना चाहिए. आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर. यू कैन सजेस्ट टू दानियाल, ही इज सीईओ ऑफ एनएस ट्रेनिंग, और माहीन, शी इज अ कोऑर्डिनेटर. तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं. सो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग. ओके सो नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चंस बिकॉज़ आवर सेशन इज अबाउट टू एंड. वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट. तो जिनका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क. फोन पे कर सकते हैं. फोन पे आई डोंट नो अहिरा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड के ना फोन पे आई विल नेवर सजेस्ट यू गाइस क्या फोन के ऊपर इतना कॉम्प्लेक्स काम करो. लोग करते हैं पता नहीं कैसे करते हैं, आई डोंट नो, बट आई विल सजेस्ट कि यू कैन टेक द लैपटॉप. ओके एक और क्वेश्चन आया है कि एडवांस फोटोशॉप आता है क्या. ये एडवांस, अच्छा वन थिंग, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टाइपोग्राफी का पोस्टर बना रहे हो तो आप जो है ना फोटोशॉप में भी टाइपो कर सकते हो और इलस्ट्रेटर में भी टाइपो कर सकते हो. यस एडवांस फोटोशॉप का कोर्स है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. मैं सिखा नहीं रही हूँ इलस्ट्रेटर. अच्छा रिमशा ने क्वेश्चन पूछा कि आप इलस्ट्रेटर सिखा रही हैं. मैंने एक्चुअली अपनी प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेटर बनाई है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. दिस वॉज ईजी फॉर मी. लोगों को फोटोशॉप ईजी लगता है, मुझे इलस्ट्रेटर भी ईजी लगता है, मुझे फोटोशॉप भी ईजी लगता है, मुझे आफ्टर इफेक्ट भी ईजी लगता है. It depends upon your experience कि आपको experience कैसा गया. Yes, I am taking the class of advanced Photoshop. If you are willing to join, then welcome. आप next session join करें. 1000 rupees का तो course है, you can join. This is a wonderful course by the way. हम लोगों ने बहुत सारे poster create किए हैं. There are many apps related to Photoshop. Why you need a course? So what we should say to them? अच्छा इकरा ने question पूछा कि अगर हमारे पास Photoshop नहीं है तो हमारे पास अल्टरनेटिव भी होते हैं टूल्स होते हैं. टूल्स के ऊपर फर्दर उनकी सब कैटेगरीज लाइक इस तरह के टूल्स भी होते हैं, मगर सीखने आना चाहिए तभी तो हम प्ले कर पाएंगे. इधर आप फोटोशॉप सीखो, इलस्ट्रेटर सीखो, आप कोई और टूल सीखो, कैनवा सीख लो, मगर आपको सीखने से पहले एक गाइड तो चाहिए होगी. यू नो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कार बनाई है ना तो फिर कार ऐसे ही छोड़ दो फिर सर को चलाता रहेगा. तो उसको सीखने के लिए पहले हमें ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ेगा, कोई टूल सीखने पड़ेंगे, फिर ही तो हम ड्राइवर बनेंगे, वरना अदरवाइज तो फिर you know फिर सभी फिर डिजाइनर बैठे हों यहाँ पर. Where you get this type of design? Because Google. Oh, you can use simple.
another big question and I'm giving you another a good edge. You can Google thing on use जो designers use करते हैं. Number one is Pinterest. Number two is Behance. Number three is Dribbble. रिमशा अगर आपको एडवांस फोटोशॉप का कोर्स करना है यू कैन कॉन्टेक्ट माहीन. आप अगला सेशन 59 हमारा स्टार्ट होने वाला है. यू कैन ज्वाइन दैट. अच्छा नंबर वन इज पिंटरेस्ट. मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. पिंटरेस्ट See if my screen is visible to you guys. Yes, visible. So this is Pinterest. Wonderful platform जहाँ पर आप कोई भी चीज Google कर सकते हो. There are thousands of the possibilities. Number two is Behance. And number three is Dribbble. Dribble. अच्छा बिहान्स. सो दिस इज माय पोर्टफोलियो. इफ आई कैन शो यू द बिहान्स इंटरफेस. सो दिस इज बिहान्स. आप यहाँ पे मल्टीपल चीज जो है काउंटलेस चीज जो है वो इंस्पायरेशन जो है वो देख सकते हैं. थर्ड इज ड्रिबल. पिंटरेस्ट दुनिया जहान के लोग यूज करते हैं. एक और है क्रिएटिव मार्केट. एक्सप्लोर ऑन क्रिएटिव मार्केट. क्रिएटिव मार्केट इज द वंडरफुल प्लेस. अच्छा मरियम ने पूछा कि इन चीजों पर प्लेजरिज्म का इशू आता है. देखो कॉपीराइट का इशू आता है, नॉट प्लेजरिज्म, क्योंकि ये होता है इंटेलेक्चुअल थेफ्ट. लाइक अगर आप किसी का काम चोरी करके अपने पोर्टफोलियो पे लगाते देते हो तो ऑब्वियसली उसके पास जो है ना वो राइट होता है कि वो आपके काम के ऊपर क्लेम करे और आपको वो काम हटाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो से. मगर आपने कॉपी करना है, मगर कॉपी ऐसे करना है ना कि वो लगे भी ना कि कॉपी है मगर आपकी इनोवेशन भी बीच में आ जाए. मोहम्मद उमर इज आई डोंट नो व्हाट इज ही सजेस्टिंग बट आई नेवर यूज्ड दैट. हाउ टू प्रोफेशनल फाइनल अ जॉब कैन यू प्लीज गेट. हाउ टू बी अ प्रोफेशनल. प्रोफेशनल बनने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू मेक अ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. क्लेम कहाँ करना है? ऑब्वियसली सिंपल, उसके नीचे कमेंट्स आप ऐड करें कि भाई आपने मेरा काम चोरी किया हुआ है, या तो मुझे आप मुझे क्रेडिट दें काम का या फिर अपना काम हटाएं. Behance is not work like Instagram. It's a professional portfolio website as like Dribbble, जहाँ पर अपना अपना काम जो आपने खुद किया होता है वो आप लगाते हैं. और फिर अगर आपने कहीं अपना portfolio share करना है, किसी job पर apply किया, तो आप simple CV कितनी बड़ी PDF बनाने के बजाय आप simple copy करें उसका. जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरे वाला सिंपल, आप उसके लिंक को कॉपी करें और पेस्ट कर दें अपने उसको. लेट्स सपोज अगर मैंने अप्लाई करना ना, तो मैं सिंपल जाऊंगी, ये कॉपी करूंगी अपना लिंक और शेयर कर दूंगी टू एवरीबडी जिन्होंने जिस चीज की जॉब के लिए मैंने अप्लाई करना है, तो मेरा काम जो है वो आ जाएगा. कॉपी नहीं हो सकता? नो 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 नो. पिंटरेस्ट पे यू कैन डाउनलोड. फॉर एग्जाम्पल ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सिंपल ये थ्री डॉट्स डाउनलोड इमेज. पिंटरेस्ट पे सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी डाउनलोड नहीं कर सकते. सी अभी मेरे पास बैनर डाउनलोड में आ गए, राइट? इफ आई एम शेयरिंग, यस. सो एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो काइंडली चैट में क्वेश्चन पूछ लें. आई डोंट नो उमर, आई डोंट नो. यू कैन सिंपल गूगल इट. ओएस ओएस पे तो ऑब्वियसली चलता है. अब क्रैक वर्जन पे आई डोंट नो. Mariam is asking, हाँ नहीं, you try to use more pixelated, less pixelated images, जिनके pixels ज़्यादा हों.
आई डोंट नो केडी बुक्स के लिए यू कैन आस्क माहीन, शी विल गाइड अबाउट गुड अबाउट केडी बुक्स. ओके सर, दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्स, सॉरी लेक्चर बूट कैंप का. आई एम होपिंग आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा. दिस वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि एट अ टाइम देर वर 70, बाय द वे पहले 90 से. नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा, माहीन कैन एक्सप्लेन अबाउट वेल अबाउट इट. जस्ट कॉन्टेक्ट माहीन, माहीन इज आर कोऑर्डिनेटर. आपकी ग्रुप एडमिन होंगी, आप उनसे यू कैन कॉन्टेक्ट हर. अच्छा, जिनको नहीं पता कि उन्होंने टूल्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो वैसे तो माहीन एक्सप्लेन कर देती हैं, वो लिंक भी शेयर कर देती हैं, बट गेट इन टू पीसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं. Alright, so it was all about today's lecture. Hoping you really learn new things. Join the courses. There are list of the courses available on Instagram. Maheen bhi share kar deti hain. So I'm hoping so you can leave the reviews about bootcamps in group on their Instagram page or their Facebook page. So get connected with it. इस तरह के sessions further वो आते रहेंगे. So best of luck for the next session. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.